8 सितंबर के जलसे को लेकर पीटीआई के अंदर और बाहर बहुत बातें हो रही हैं कि पीटीआई की बकाओ फना का दारोमदार इस जलसे पर है, पीटीआई सपोर्टर्स की आजमाइश और सेकेंड ईयर लीडरशिप की वफा जफा का मामला है वगैरह वगैरह। आप क्या कहते हैं कि ये जलसा भरपूर होगा? अगर होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तब क्या होगा? कमाल का सवाल है आपका। देखो, मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखे हैं, फूल भी खिलते देखे हैं। इट इज नेवर द एंड टिल इट इज द एंड। अच्छा, ये अगर बहुत जबरदस्त हुआ कोई क्यामत नहीं आ जाएगी, बथेरे जबरदस्त हुए हैं जलसे, ये लाहौर शहर दे, कराची दे, इस्लामाबाद दे, हर चौक तो तेल का चश्मा निकल आएगा और रातों रात ऑयल रिफाइनरी भी बन जाएंगी। और कल करो कुछ भी नहीं होना, जो अगर ना होगा फिर भी कुछ नहीं होना। पाकिस्तान की तारीख ही उठा के देख लो, ये दुनिया चलती रहती है। जलसे क्या है, या बंदे नहीं रहते 77 साल, भले आधा गवा दिया हो मुल्क, कायद मोहम्मद अली जना के जाने के बाद पाकिस्तान मौजूद है ना, भावे आधा मौजूद है। बंदों के बगैर चलती है दुनिया, लीडर मीडर ये वो, आखिरी सच्चाई एक ही है, उसकी तरफ ध्यान दो अगर वक्त हो तो। बाकी कोई क्यामत नहीं आएगी, बहुत हिट हुआ तब भी क्या हो जाएगा, ना वो बहुत कामयाब हुआ तो फिर भी क्या हो जाएगा, तो कीमतें घट जानी हैं चीज़ों दी हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाना है। जो स्कूलों से बाहर बच्चे रुल रहे हैं वो स्कूलों में चल जाना शुरू कर देंगे, जो बेरोजगार करोड़ों में फिर रहा है, जल्द मतलब छोड़ो इस मुल्क के मसाइल और हैं। लेकिन ये कौडुओं के सपोर्ट है जिनको पता ही नहीं, इनको यही नहीं पता कि अगर सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल कर लें तो कौम के इज्तमाई मिजाज पे क्या असरात मुरतब होंगे, इन चाहलों को ये नहीं पता। तभी कह रहा हूँ ये कौडू हैं एक जलसे के पीछे, वो फैसला कौन? ठीक है हजरत साहब, अखबारी खबर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ पीटीआई समेत तमाम पार्टियों से गैर मशरूत मुज़ाकरा चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हर तरह की बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ मुतज़ाद बयान दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं देखो, बाकियों में तो सच्ची बात है, बज़ाहिर होगा डेफिनेटली एक दो चार अच्छे लोग होंगे हैं, लेकिन ऐसा जनरली मुझे मेरे ध्यान में नहीं आ रहा जिसकी बात को मैं सीरियसली लूँ। राना सनाउल्लाह को सीरियसली लेता हूँ क्योंकि वो सही सच्ची खरी दुरुस्त बात करने वाला आदमी है, जेन्युइन आदमी। ठीक है, नसीब अपने अपने होते हैं, बंदे बड़ी बड़ी गलत जगह पर जा फंसते हैं, शादियाँ नहीं हो जाती कितनी कितनी मोहब्बतों के बाद और फिर तलाकें भी हो जाती हैं, उसको छोड़ो। ये मुझे राना सनाउल्लाह की बात को मैं सीरियसली लूँगा, लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ इतना भोला तो नहीं है कि पीटीआई से मुज़ाकरात करे। पीटीआई का फ़ायदा, नून लीग का नुकसान और वाइस वर्सा। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि नून लीग के तो अपने पल्ले कुछ नहीं, क्या करेंगे, उनके पल्ले क्या है सवाए ये फॉर्म 47 के, ये बिल्कुल नहीं याद रखना, क्या करने मुज़ाकरात, करने हैं तो कर लें। फिर वही बात, मैं 2, 4, 5, 7 जो जिन मामलात पे रो रहा हूँ उनके हवाले से कोई बात है तो मुझे दिलचस्पी होगी, अदरवाइज बुनियादी हकायक इस मुल्क में तब्दील होने ही नहीं, वो बिल्कुल ही कुछ और हैं, बिल्कुल ही कुछ और हैं। जलसा अच्छा हो गया, भैड़ा हो गया, मुज़ाकरात हो गए, नहीं हो गए, मेरी अगर कोई माड़ी मोटी टुटी भजी कमिटमेंट है तो वो तो आम आदमी के साथ है, अपने मुल्क के साथ। इसलिए बारा जी हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक IMF ने हुकूमत को फसलों की इमदादी कीमत मुकरर करने से रोक दिया, रवां खरीफ सीजन से फसलों की कीमतें मुकरर नहीं होंगी, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? इस तरह तो कल को हमारी मुर्गी, सब्जियां, दालें, आटा, रोटी की कीमतें भी मुकरर करने से रोक देंगे। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत कह रहे हो आप, जो भी ये कहता है झूठ बोलता है, फजूल बात करता है। Beggars are never the choosers. ये मुहावरा मेरा बनाया हुआ है, और याद रखना मुहावरों के पीछे सदियों की विजडम होती है। भिखारी कौन होता है टर्म्स डिक्टेट कराने वाला, उसको रुपया दे दो, अठन्नी दे दो, 54 दे दो, 100 का नोट दे दो, 500 का दे दो, 5000 का दे दो। और IMF को बदनाम मत करो, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये कसाई हैं, कसाई।
पालते हैं, दूध देना बंद कर देती है, उन्होंने जबा भी कर रहे थे, पहले वह दुध पीते हैं, वो बच्चों नहीं पीट देंगे। ये कसाई लोग हैं, वो बात सुनो, कभी सुना ना आया मैं फाया हो एटम बम मुंडे ते उन्हें रखा होगा मेरे को कर्जा ना लिया तो मैं नो खुद लिलकड़ियाँ लेते हो, उनके पीछे जाते हो, उनकी मिन्नतें करते हो, नाक से लकीरें निकालते हो, खुशामदें करते हो, तो इल्जाम उन पे किस बात का है? तो आपको पता नहीं है वो कौन है? देखो, मैं अगर किसी सूद खोर के पास, किसी बनिए के पास, किसी महाजन के पास जाता हूँ तो भाई मेरी को मजबूरी होगी या मुझे आदत होगी, हमने IMF को खाने वाले तो लोग कुछ और हैं, तमाम को क्या मिला? IMF तो एक इदारा है भाई, सबको पता है ये क्या करता है, खत्म। ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि मैं तारा मसीह के पांव पकड़ लूं जाके मुझे फांसी चढ़ा दे, उनको क्यों बुरा कहना? वो अवाम के दुश्मन हरगिज नहीं है, जिसने पैसा दिया और अंधा धुंध दिया और वो इंश्योर भी ना करे। यार मैंने जिंदगी में कोई बिजनेस भी किया, कोलैटरल वगैरह देते हो आप, कुछ जायदाद गिरवी रखते हैं, फलाना वो तो आम से प्रोजेक्ट के लिए वो इतना इंश्योर करते हैं, रजिस्टर्ड मॉर्गेज वगैरह ये वो सारा कुछ होता है। कैसी बात है यार, ये तुम लोग क्या बात करते हो? IMF एक इदारा है भाई, वो कोई विलन नहीं है, गन पॉइंट पे देता है तुम्हें। वो कोई मजर शाह है, कोई प्रेम चोपड़ा है, चुक के ले जाता है? नहीं, उनका उनका फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी पाई पाई की हिफाजत करें, चूंकि एक उनको आपके किरदार का भी पता है। हम पाकिस्तानियों को अपने बारे में कोई गलतफहमी हो तो हो, दुनिया को नहीं है, पूरी दुनिया में पहचान है आपकी। मैंने अगर किसी से जाकर को भीख मांगनी है, को कर्ज मांगना है, तो शरायत उसकी होंगी जो मुझे पता होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल सा काम है, इतने इतने बड़े बंदे बंधे हुए हैं जो ये सारे कारोबार चलते हैं। नहीं होता, ये लैला मजनू नहीं है, देखो बात सुनो, ये शीरी फरहाद नहीं, ये दुनिया है। अभी चीन ने 3 साल के लिए कर्जे रोल ओवर करने के बाद, मतलब उनको हक नहीं पहुंचता, वो पूछें कि 3 साल बाद की हो जाएगा भाई, हैं वजीर खजाना साहब की करोगे 3 साल बाद की, केड़ी मुर्गी तुहाड़ी सोने दे अंडे देने शुरू कर देगी, सानू भी चखाओ जरा। इसलिए छोड़ो, ये चादर देख के पांव नहीं फैलाता, लुट लुट के मुल्क का बेड़ा गर्क किया, ये वैसे खाया जाने वाला मुल्क नहीं था, इसको लूटा बेशुमार किया। आप छोटे हो बहुत, आपको नहीं पता ही नहीं है, मैंने बताया नहीं कि मेरे मुझे किसी ने बताया है, और वो किसी अमी किसी नहीं है कि फलां अपने 9 मुल्कों में घर। तो मैंने से कहा, मैंने कहा यार 9 मुल्क तो मैंने बतेरी झक मारी है दुनिया में, 9 मुल्क तो रहने के काबिल नहीं है, किसी का वेदर नहीं ठीक, किसी में लॉ ऑर्डर, किसी में फलां, बहुत कम मुल्क हैं जो 9 नहीं हैं जिनमें जो रहने के काबिल हो, तो बहुत थोड़े हैं, 2-4 मुल्क ही हैं जहाँ, जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वो मुल्क नहीं है, वो जंगल है, खत्म। खुशहाली बात की बात है, इज्जत जिंदगी अगर उसको तहफ्फुज़ नहीं है, बच्चे महफूज नहीं हैं, औरतें महफूज नहीं हैं, क्या तुम उठाए फिरते हो? अगर तो मुल्क नाम है एक झंडे का, एक कौमी तराने का, इस तरह नहीं है 2-3 चीज़ा तो फिर ठीक है, अदरवाइज मुल्क और चीज़ है भाई, मादरे वतन एवं तो नहीं कहते, माँ की तरह हिफाजत करती है तो फिर वो मादरे वतन होती है।